दोस्तों अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों चेन्नई को मिला फाइनल का टिकट तो खुशी से झूम उठी साक्षी धोनी, फिर कहा कुछ ऐसा आपके चेहरे पर भी आ जाएगी मुस्कान। तो केवल वही नहीं, उनके अलावा जडेजा की पत्नी रीवा, दीपक की पत्नी जया भारद्वाज के साथ साथ नताशा ने चेन्नई की जीत और अपनी टीम की हार पर ऐसे दिल जीत लेने वाला बयान दिया है जो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है। तो आखिरकार क्या कुछ बताया है इन सभी ने उनके तीखे मीठे बयान पर, हम आपको सुनाने जा रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि चेन्नई की जीत का सबसे बड़ा हीरो कौन था, धोनी, जडेजा या फिर कोई और? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों इंतकाम के मुकाबले में गुरु और चेले महेंद्र सिंह धोनी के सामने डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या की चुनौती थी। दोनों फाइनल का टिकट कटाने के लिए बेकरार थे और इसी जंग में गेंद और बल्ले के बीच कुछ ऐसा हो गया जिसने आईपीएल के 16 सालों के रिकॉर्ड को पलट कर रख दिया। किस्मत हार्दिक पांड्या के पक्ष में थी, उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी थी, लेकिन ये फैसला उन्हें ऐसे करारे जख्म दे गया जिन्हें भर पाना ना ही उनके और ना ही उनके करोड़ों फैंस के लिए संभव हो पाएगा। जी हाँ दोस्तों, रेड हॉट फॉर्म में चल रही कॉनवे और ऋतुराज की जोड़ी ने पहले ओवर से गुजरात की शर्मनाक हार की कहानी लिखनी शुरू कर दी थी। देखते देखते दोनों खिलाड़ियों के बीच 87 रनों की तूफानी पार्टनरशिप हो गई। ऋतुराज ने तूफानी अर्धशतक ठोक दिया, बस फिर क्या था, जीत की नींव रख दी गई थी। अब दरकार थी इस पर बड़ी इमारत बनाने की, हालांकि उसमें चेन्नई के बल्लेबाज नाकाम साबित हुए। एक के बाद एक चेन्नई के लिए कई बड़े विकेट गवा दिए। खुद महेंद्र सिंह धोनी का हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पाया, लेकिन सलाम है सर रविंद्र जडेजा को। रायडू की तूफानी बल्लेबाजी और जडेजा के विस्फोटक छक्कों की बदौलत चेन्नई ने 20 ओवरों में 172 रनों का मैच विनिंग टोटल खड़ा किया। दोस्तों चेन्नई अपनी घातक गेंदबाजी से इस लक्ष्य को डिफेंड कर सकती थी, वहीं गुजरात आसानी से इस लक्ष्य को चेस करने का माध्यम रखती है। ऐसे में मुकाबले में रोमांच तो सारी हदों को तोड़ने वाला था, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी तो नया इतिहास लिखने को आए थे और उन्होंने अपने मास्टर प्लान से गुजरात को पूरी तरीके से तहस नहस करके रख दिया और आईपीएल इतिहास में पहली बार गुजरात को हराकर उनका फाइनल का टिकट कटाया। इसके बाद तो पूरा स्टेडियम धोनी धोनी के नारों से गूंज रहा था, क्योंकि चेन्नई ने 15 रनों से गुजरात के पर्ख उतरकर 9वीं बार फाइनल में जगह बनाई थी। इसके बाद तो साक्षी धोनी की भी खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने मैच के बाद कहा कि क्या बात है, चेन्नई ये होती है चैंपियन की निशानी, आप सभी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। धोनी जैसा कप्तान, जडेजा जैसे ऑलराउंडर और भी न जाने कितने खिलाड़ी, आप सभी इस जीत के हीरो हैं। यदि आप एक साथ हैं तो हम सबसे फाइनल ट्रॉफी ज्यादा दूर नहीं है, पर मुझे पूरा भरोसा है आप आईपीएल ट्रॉफी जीत कर लाएंगे। तो वहीं दोस्तों रविंद्र जडेजा की पत्नी रीवा भी पीछे नहीं हटी। मैच के बाद उन्होंने जडेजा की जमकर तारीफ के पुल बांधते हुए कहा है कि जब जडेजा मैदान में मौजूद हो तब चेन्नई को हरा पाना संभव ही नहीं है। वेल डन रविंद्र, एक बार फिर आपने दिखाया कि आप जैसा खिलाड़ी पूरी दुनिया में नहीं है, आप सबसे बेस्ट है। मुझे खुद पर गर्व है कि मैं आपकी पत्नी हूँ। इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई। मैं चेन्नई के सभी फैंस को भी इसके लिए बधाई देना चाहती हूँ। तो वहीं दीपक चहर की पत्नी जया भारद्वाज ने भी अपनी टीम को जीत की बधाई देते हुए कहा, कांग्रेचुलेशंस चेन्नई टीम और उनके करोड़ों फैंस जिनका सपना एक बार फिर से सच होने जा रहा है, क्योंकि चेन्नई एक बार फिर आईपीएल चैंपियन बनने वाली है। जी हां दोस्तों, हालांकि जहां एक तरफ खुशियां थी वहीं दूसरी तरफ गम भी था। हार्दिक की पत्नी नताशा ने अपनी टीम का उत्साहवर्धन करते हुए बताया, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, हमें इस हार से निराश नहीं होना है, बल्कि अब तो हमें दोगुने जोश से अपने डिफेंडिंग चैंपियन का खिताब बचाना है, जो हम करके रहेंगे। मुझे अपनी टीम और सभी खिलाड़ियों पर पूरा भरोसा है, क्योंकि हमने हार मानना कभी सीखा नहीं है। तो दोस्तों इस लंबी चौड़ी बयानबाजी के बाद आपको क्या लगता है कि क्या चेन्नई एक बार फिर से आईपीएल चैंपियन बनने में कामयाब हो पाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।